असलम नाजरन टू टी वी न्यूज़ के साथ मैं हूँ साजिद फारूक नाजरन सियासत में बाज अवत तब्दीलियाँ इतनी तेज़ी के साथ रुमार होती हैं कि इंसान हैरान रह जाता है और पाकिस्तान की सियासत तो है ही ऐसी कि यहाँ पर कुछ इसके बारे में कहा नहीं जा सकता कल कुछ हालात और होते हैं आज हालात और होंगे कल कुछ और होने जा रहा होगा यही वजह है कि हम देख रहे हैं कि दो हज़ार अट्ठारह के बाद से जब से मौजूदा हुकूत बरसर इकतदार आई है वज़ी अजम इमरान खान की ये कोशिश रही है कि अवाम के जो मसाइल हैं बुनियादी जो मसाइल हैं उनको हल किया जाए जिनमें ग़ुरबत है बेरोज़गारी है महंगाई है ये ऐसे मसले हैं जिनके हल किए बग़ैर कोई भी हुमत जो है वो अवाम में मकबूलियत हासिल नहीं कर सकती वज़ी अजम इस सिलसिले में अपने तौर पर सर तोड़ कोशिश कर रहे हैं लेकिन चैलेंज़ इतने ज़्यादा हैं कि उनके लिए इन चैलेंज़ पर काबू पाना बहुत मुश्किल हो जाता है एक सो एक चैलेंज से वो निकल निबटने में कामयाब होते हैं एक चैलेंज से निकलते हैं तो दूसरा चैलेंज सामने आ खड़ा होता है इसी सिलसिले में अगर हम देखें तो जो इस वक्त की सियासी सूरत हाल है वो भी तेज़ी के साथ बदल रही है और कोई अजीब तरह के माहौल जो है वो मुल्क में सियासी माहौल देखने में आ रहा है अपोजिशन भी आपस में तकसीम है और हकूमत जो है वो बजट आइंदा माली साल का पेश करने जा रही है बजट की तैयारी का अमल जारी है और इस सिलसिले में वजी ख़जाना को भी ये खसूस हिदायत की गई है कि अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ फराम किया जाए जो तनख्वादार तबका है उसके मफादात का भी तहफ़ किया जाए जा आज जो बड़ी डेवलपमेंट आज हुई है कि तहरीक इंसाफ में जहांगीर तरीन ग्रुप जो है उसकी आज रहनवाओं की मुलाकात हुई वज़ी अल पंजाब ओसमान बुजदार से और उन्होंने उन्हें अपने तफजात से आगाह किया अपने जो उनके मसाइल हैं उनके बारे में बताया और वज़ी अल के साथ उनकी मुलाकात में जो जहाँगीर तरीन ग्रुप है उसके जो मामलात हैं जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से वो हकूमत के ख़ास तौर पर पंजाब की हकूमत के हवाले से इजहार करते रहे हैं उनके बारे में आज बात हुई इस मौके पर उन्होंने जो आइंदा माली साल का जो बज तरक़ियाती बजट है उसके हवाले से अपने जो मुतालबात हैं वो भी पेश किए और उनका ये कहना था कि हमारा जो मनसूबे हैं हमारे जो तरक्याती मनसूबे हैं वो ए डी पी में शामिल किए जाएँ इसके अलावा उन्होंने इस मौके पर हकूमत के साथ और वजीर अल जो पंजाब हैं उनके साथ ये मुतालबा भी उठाया कि उनके जो मसाइल इंतजामी अफसरान के साथ या महकमाल के अफसरान के साथ हुकाम के साथ एहलकारों के साथ जो मसाइल हैं उनके हल के लिए भी इकदाम किए जाएँ वजीर अल ने उनके तहफात दूर करने के लिए यकीन दहानी भी कराई इस मौके पर कुछ अहकाम भी फौरी तौर पर जारी हुई है मुलाकात के बाद सूबाई वज़ी नुमान लंगड़याल और सईद अकबर निवानी ने सिाफियों से गुफ्तू भी की और उन्होंने इस मौके पर कहा कि वजी अल के सामने हमने अपने मुतालबात अपने तफज़ात रखे हैं और उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि इनको हल किया जाएगा उन्होंने कहा कि वो तहरीक इसाफ का हिस्सा हैं तहरीक इसाफ के साथ ही रहेंगे यकीनी तौर पर आज की ये मुलाकात बहुत अहमियत की आमिल थी क्योंकि ऐसे वक्त में जब पंजाब में ये कहा जा रहा है कि चौधरी निसार अली खान जो है वो सूबाई इसम्बली की रुकनीत का हलफ उठाने जा रहे हैं तो अब ये जो मुलाकात है आज की मुलाकात बहुत इस लिहाज से अहम तस्वर की जा रही है कि जहांगीर तरीन ग्रुप के जो तहफात हैं वो हकूमत जो है उनको दूर करने के लिए आज यकीन दहानी भी करा रही है इस सिलसिले में वजी अजम के साथ जो मुलाकात हुई उसमें भी उन्होंने यकीन दहानी कराई विफाकी सतह पर जो मामला हैं उन पर तो जहांगीर तरीन ग्रुप ने इतम का इजहार किया अब तक के जो इकदाम हैं आज वजी अल पंजाब के साथ जो मुलाकात हुई है इसके नतज़ज और इसके इसके असरा जो आगे चल कर सामने आ जाएंगे लेकिन ये चीज़ आज तय है कि जहांगीर तरीन ग्रुप को हकूमत चाहती है पाकिस्तान इंसाफ चाहती है कि जो जहांगीर तरीन ग्रुप के जो अरकान हैं वो पी टी आई के टिकट पर कामयाब हुए हैं तो वो उनके साथ ही रहें तो ये ये जो मुलाकात है इसके नतज़ज और असरात जो हैं वो हम आगे चल के आइंदा चंद दिनों में ज़रूर देखेंगे इसी के साथ अपने मेज़बान साजिद फारूक को दीजिए इजाज़त अल्लाह हाफि